सांसद सभी के संचालक विकास राय और हमारे तमाम शिक्षकगण मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सबको फेयरवेल के बधाई देते हैं। आप सबको नए जो एग्जाम में जब बैठेंगे आप तो बच्चे करेक्ट कर एग्जाम हमारी दुआएं आप लोग के लिए। और विशेष में हम कहना चाहते हैं कि आप जब पहला एग्जाम है तो घबराना नहीं है आपको एग्जाम से। मैट्रिक का एग्जाम कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप लोग पहले से बचपन से एग्जाम देते आ रहे हैं, इसी तरह से बिना स्ट्रेस के आपको एग्जाम देना है। मेहनत से आपने जो भी पढ़ाई की अच्छे से पढ़ाई की है पूरे एक साल और खूब मेहनत किए हैं, अच्छे से एग्जाम लिखेंगे, ट्राई करेंगे एग्जाम को। जो हमने पहले भी बताए हैं ट्रिक्स वगैरह कि जो एग्जाम जो करना है आपको, जो पहले क्वेश्चन जो फर्स्ट आता है जो पहले आ रहा है उस क्वेश्चन को पहले आप करेंगे, लॉन्ग वाला हो या फिर आपका लघु वाला हो, जो भी है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव तो आपको अलग रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव को आपको पूरा करना है। डबल क्वेश्चन उसमें आपको 80 नंबर का रहेंगे, SST आपको उसमें जो है 40 का करना है आपको जवाब, 50% जवाब देना है उसमें आपको। डबल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, मतलब ये बिहार बोर्ड ने बहुत बढ़िया कर दिया है कोविड की वजह से। 2-3 लगातार सालों से ऐसा कर दिया है सिस्टम में कि जो है बच्चों को आसान हो। मार्क्स लेना बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी की है, अच्छे मार्क्स आएंगे, हमने बहुत उम्मीद है आप लोगों से। और दुआ है कि जो है आप लोग जो है अपने घर वालों का नाम करें, अपने गांव का मोहल्ला का नाम करें, अपने कोचिंग का नाम, अपने शिक्षक का नाम करें। कोई भी जो है एग्जाम देने से जो है घबराएगा नहीं, आगे भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं, बधाई देते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत